तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं सामने तीनों मज़ार, जैसा कि आपने देखा होगा बयान में, तो आपको तीनों गुम्बद देखने को मिल रहे हैं। और माशाल्लाह सामने आप मज़ार देख लीजिए, ये मज़ार की उल्टी साइड आ चुके हम लोग, बैक साइड हैं। ये आपको चौतरा देखने को मिल रहा है, ये यहाँ आप देखिए, यहाँ खाने का इंतज़ाम होता है जिसको लंगर का कहते हैं, सब भाई लोग इंतज़ाम करते हैं। गद्दी नसीन जो रहते हैं यहीं बैठते हैं, सामने आप देख सकते हैं। ये देखिए तंदूर का यहाँ इंतज़ाम हो चुका है माशाल्लाह, देखिए यहाँ रोटी बन रही है, देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं सामने, ये बन रहा है अभी। जी जी पहले यहाँ तंदूर था ना? जी जी ये यहाँ पास तंदूर था, ये देख सकते हैं आप, छह तंदूर थे, अब ये बन रहा है पूरा, मतलब ये कमरे बनेंगे। जी अच्छा अच्छा मतलब यहाँ खाना खाने के लिए और बैठने के लिए रहने के लिए मतलब ये बनेगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं। जी 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 पहले मतलब तंदूर बनाते हैं और सामने आपको वजू खाना और सारी चीज़ें, टॉयलेट भी देखने को मिलेगी उधर ही, देख लीजिए माशाल्लाह। ये सब पूरा बगीचा है जो कि बाबा यहाँ आते हैं तो छुट्टी हो जाती है, तमाम लोग आते हैं। और ये देखिए आप, सब गाड़ी वाली भी खड़ी है जो आपको दिख रही है, बहुत बड़ा बना हुआ है अंदर तक, देख लीजिए आप, सब रुकने के लिए है। और इधर देख लीजिए आप पूरा इस साइड, तो आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा चारों तरफ। उधर वजू खाना तरफ हम ले जाते हैं, एक बार वजू खाना आपको दिखाते हैं, जो कि यहाँ चक्की धान इनका जो लंगर होता है वो इनका मतलब देखने को मिलता है। ये देखिए ये सब मशीनें लगी हैं धान आन के पीसने के लिए, वो आपको देखने को मिल रही है यहीं, देख लीजिए सब पिस रहा है यहाँ धान आन, और मतलब यहीं से सब पिसता है। जी जी आप देख लीजिए ये सब मशीनें लगी हैं, जो कि देख लीजिए वो आटा आटा रखा है जैसे कि देख लीजिए आप, और ये देखिए सब करता बैठे हैं माशाल्लाह। इन लोगों की खिदमत में आप लोगों को लंगर खाने को मिलता है, यहाँ आइए आप लोग तो माशाल्लाह इस टाइप का माहौल देखने को मिलता है, बहुत प्यारा माहौल है यहाँ का, आप देख सकते हैं यहाँ। तो अभी आप बाहर चलते हैं, आपको बाहर उधर के दिखाते हैं जो वजू खाना टाइप को देखने को मिलता है आपको, उधर साइड दिखाते हैं। देख रहे हैं जगह, ये मज़ार पे जो है कि मतलब सब अपनी है, और जो कि मज़ारी की है, यहाँ सब गाड़ी वाड़ी देख लीजिए, गाड़ी ट्रैक्टर जो भी आपको देखने को मिल रहा है सब मज़ार का है। और सब ज़ियारीन बहुत ज़्यादा यहाँ मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खिदमतकार हैं और बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, जैसे ये देख लीजिए सामने लैट्रिन बनी है, वजू खाना बना है। जी 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 आप देख सकते हैं सब, आपको ये देखने को मिल रहा है जो कि सब तरफ आपको देखने को मिल रहा है। ये पीछे आप कार देख रहे हैं, ये सब यहीं की है, खिदमतकारों में। और ये देखिए यहाँ, और ये जो भैंसी ऐसी हैं ये भी यहीं की है ना भाई? जी जी आप देख सकते हैं सब यहीं की है, और काफ़ी ज़्यादा बड़े में मतलब बसा हुआ है ये। और जैसा कि ये देख लीजिए, ये बाबा जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये यहाँ की देखभाल करते हैं, और यहीं की मतलब जो कि भैंसी ऐसी हैं इनकी खिदमतकार करते हैं, खिदमत करते हैं। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़े में बना हुआ है, और ये देखिए लंगर के लिए यहाँ लंगर के लिए मतलब जो दूध है यहीं से जाता है माशाल्लाह, मतलब खुद ही की भैंसी हैं खुद ही। आप देख लीजिए पूरा मतलब गांव देखने को मिल रहा होगा आपको पीछे, ये मतलब जितने बाग हैं सब अपने ही हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं जितने आपको बाग देखने को मिल रहा है ये सब अपने ही हैं। और देख लीजिए तो यहाँ आने के लिए मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब सुविधा देखने को मिलती है, हर चीज़ की मतलब कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। ये मतलब जो सामने हांडिया जल रही हैं आप देख सकते हैं, इधर साइड वो देखिए आप, सामने हांडिया देखने को मिल रही हैं। और ये देख ये हांडिया देखने को मिल रही है आपको, और इस साइड भी मतलब बाथरूम बना था पहले लग रहा है, अच्छा बन रहा है अभी, ये पीछे साइड देख लीजिए आप बन रहे हैं जो, और ये देख लीजिए माशाल्लाह कितना प्यारा मंज़र है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, तो आप लोग देख सकते हैं जान सकते हैं।
और पीछे आप देख लीजिए कितना प्यारा माहौल है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेड़ भी है ये, हम बताना भूल गए हैं आप लोगों को, पीछे देखिए कितना ज़्यादा बड़ा पेड़ है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा बड़ा पेड़ है पीछे, और फैजान भाई अपने साथ साथ हैं जैसा कि पीछे चल रहे हैं, तो अभी आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। और ये देख लीजिए जो कि आपको ये देखने को मिल रहा है, यहाँ चारा लगा है भैंसी वैंसी के लिए, जो कि मतलब भैंसी हैं उनके लिए, और यहाँ रुके हुए हैं बहुत से लोग, आप देख लीजिए। यहाँ हम लोग भी पहले आते थे, यहाँ ही रुकते थे, और अभी का तो ऐसा है कि मतलब अभी इतना जल्दी आ नहीं पाते हैं। और ये सामने देख लीजिए अभी भी बना हुआ है, जो कि मतलब आप लोग आएंगे तो आप लोग यहाँ रुकने का इंतज़ाम देखने को मिलेगा आपको, जो सामने देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा मतलब मंजर है यहाँ का, बहुत ही अच्छा है। तो अभी आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए हम लोग को। तो अभी आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। دروبنا تابت إلى المصطفى تابت إلى المصطفى